जबालिया में इजरायली सैनिकों पर हुए हमले ने इजरायल को एक बड़ा झटका दिया। यह हमला इजरायली सेना का हौसला तोड़ सकता है। हमास का दावा है कि उसने इजरायल के सील कमांडो टीम को बंधक बना लिया है। इन तस्वीरों ने इजरायल में तूफान ला दिया है। गाजा के सुरंगों में घसीट कर ले जा रहे इजरायली सैनिक कोई आम फौजी नहीं है। ये इजरायल के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये है इजरायल के सील कमांडो, जिन्हें शायते 13 यूनिट के नाम से जाना जाता है। शायते 13 इजरायली नौसेना का ठीक वैसी ही कमांडो यूनिट है जैसे अमेरिका के सील कमांडो होते हैं। यह यूनिट इजरायल के इंटेलिजेंस ग्रुप शिन बेत के तहत ऑपरेट करती है। यही वजह है कि हमास के हमले ने शायते 13 कमांडो की पूरी टीम के रुतबे को चकनाचूर कर दिया है। पूरे इजरायल में ये वीडियो वायरल हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू के कैबिनेट में कोहराम मच गया है। जिस फोर्स को इजरायल की सबसे एलीट कमांडो यूनिट माना जाता था, उस पर हमास ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया है। शायते 13 यूनिट पर हुए इस हमले में कितने कमांडो मारे गए, कितने कमांडो बंधक बने, इस पर पूरे इजरायल में खामोशी छाई हुई है। गाजा के शायते 13 का मारा जाना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली कमांडो को बंधक बना लिया है। अब जबालिया में हमास और शायते 13 के बीच हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि कैसे हो रही है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इजरायल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके सैनिक गाजा में हुई लड़ाई के दौरान बंधक बना लिए गए हैं। हमास ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके कमांडोज के कपड़ों और हथियारों में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एनकाउंटर में शायते 13 यूनिट शामिल थी। इसमें है चेक गणराज्य की बनी हुई स्कॉर्पियन ईओ राइफल, जो सिर्फ इजरायल की शायते 13 कमांडो यूनिट इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन ईओ राइफल में आगे लगा है साइलेंसर। इसका इस्तेमाल भी इजरायल की सील कमांडो यूनिट यानी शायते 13 ही करती है। शायते 13 इजरायल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के तहत आती है और शिन बेत की रिपोर्टिंग इजरायल के प्रधानमंत्री यानी बेन्यामिन नेतन्याहू को है। यानी अगर गाजा के जबालिया में शायते 13 को हमास ने घेर कर मारा है, तो समझ लीजिए कि पूरे इजरायल और खासकर उनके कैबिनेट में सबसे बड़े टारगेट पर बेन्यामिन नेतन्याहू ही होंगे। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। आगे देखिए मारो राजस्थान।